बिहार विधान परिषद के विपक्ष के नेता सम्राट चौधरी ने कहा कि तेजस्वी यादव तो अभी राजनीति में बच्चे हैं, उनकी हैसियत ही क्या है। छोटी उम्र में करोड़पति बन गए और अभी उन्हें अपने अरबपति पिता लालू यादव से सीखना चाहिए कि उपेंद्र कुशवाहा क्या है, और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के तेजस्वी यादव ने जो भी कहा है उन्हें नहीं कहना चाहिए था। सम्राट चौधरी ने कहा कि जो भी उनसे मिलकर पर्सनल बात करेगा उनकी राजनीतिक करियर ही समाप्त हो जाएगी। राष्ट्रीय जनता दल को तय करना है कि वो क्या करने वाले, लेकिन स्वाभाविक है अपनी बातों को रखने का काम उन्होंने किया है। मेरा मानना है कि राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह कंफ्यूज्ड है, उसको पता ही है नहीं है कि लालू जी के विचारधारा को चलाना है कि तेजस्वी के विचारधारा को चलाना है। लालू प्रसाद जी जो काम करते थे वही पार्टी कर रही है, उच्च जाति समाज के लोगों को गाली देना ये काम आज भी राष्ट्रीय जनता दल के नेता के द्वारा किया जा रहा है। धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, जातीय गठबंधन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल पूरा कंफ्यूज है। तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद के उत्तराधिकारी है, लालू प्रसाद जी के पास वोट है, तेजस्वी यादव क्या है? अरे अभी तो बउआ है ना राजनीति में, अभी तो आए ही हैं, अभी उनका क्या रोल है, बिहार के लिए किया क्या क्या किया ये तो जानना चाहता है। चर चर विभाग को अपने पास रखे हुए, पथ निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आरडब्ल्यूडी, पर्यटन, अरे भाई दूसरे को भी दोगे? इसका मतलब है कि भ्रष्टाचार करना चाहते हो, और भ्रष्टाचार तो प्रमाणित है। ये बच्चा 1.5 साल की उम्र में करोड़पति था, आज 33 वर्ष की उम्र में तो अरबपति है। इसलिए ये पूरी तरह नीतीश कुमार इसके लिए दोषी हैं। नीतीश कुमार ने ये पूरी कुरीति पूरे बिहार में स्थापित की और राष्ट्रीय जनता दल को सत्ता तक पहुंचाने का काम नीतीश कुमार ने किया। इसलिए अब 24 और 25 में नीतीश मुक्त बिहार बनाने की कल्पना के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी होगी। कर दिया प्रशासनिक ढांचा, बर्बाद कर दिया, बिहार में लोग अराजकता की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि मैं समझता हूँ गुंडों के साथ सरकार चलाना कितना कठिन हो, क्योंकि आप अब तो बालू माफिया, शराब माफिया के कृपा से सरकार चलाते हैं, तो अब तो आपकी राजनीतिक हैसियत भी नहीं है कि आप कुछ कह सके। भ्रष्टाचारी के गोद में खेल रहे हैं, जिस लालू प्रसाद जी के विरोध में आपने समता पार्टी बनाया था, जौहर साहब ने समता पार्टी बनाया, मेरे पिताजी ने समता पार्टी बनाया, जिसको नीतीश कुमार ने हाईजैक कर लिया। ये तो कट एंड पेस्ट वाले नेता हैं, इनके पास कोई राजनीतिक विचारधारा, कोई चिंतन नहीं है। नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ कट एंड पेस्ट की राजनीति करते हैं, इसको काट के इधर लाना, इसको काट के इधर लाना, यही राजनीति वो किए हैं आज तक। सम्राट जी, नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि कभी भी बीजेपी के साथ समझौता नहीं करेंगे। देखिए, हम वो मिट्टी खोज रहे हैं, वैसे हमने बुलवाया हम ही नेता, ये भी बता देता हूँ। बिहार विधानसभा में एक राष्ट्रीय जनता दल के एक बड़े नेता ने कहा, इस पर भरोसा मत करना, ये कभी भी पलटी मार देगा। और मैंने नीतीश कुमार जी को कहा, जाकर कहा कि नीतीश जी आप पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है। नीतीश कुमार जी ने कहा कि अभी देखिएगा, मैं कहता हूँ कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, ये उन्होंने 14 में कहा था। और वो मिट्टी हम लोग पिछले 8 वर्षों से खोज रहे हैं कि मिट्टी है कहाँ जिसमें नीतीश जी मिल गए। अब कह रहे हैं कि मर जाऊंगा, भगवान करे हाथ जोड़ते हैं आपसे, आप मिट्टी भी मत मिलिए, मरिए भी मत, बिहार का विकास तो कीजिए। कहाँ आप इस राजनीति के चक्कर में पड़े हैं? 2005 से लेकर 2013 तक आप मुख्यमंत्री थे, और 2013 से लेकर 2022 तक सरकार बचाने वाले मुख्यमंत्री, इसलिए आपका राजनीतिक हैसियत
पूरी तरह समाप्त होता जा रहा है, जनता का भरोसा समाप्त हो चुका। इसलिए आज नीतीश कुमार जो बयान दे रहे हैं, ये कोई गारंटी इनका कुछ नहीं है। वैसे हम लोगों ने दरवाजा बंद कर दिया है गारंटी के साथ, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई समझौता नहीं होगा। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव बिहार की जनता से शोषण किया है। देखिए, मैंने तो पहले ही कहा कि आज यदि कोई दो सामंती बचे हैं बिहार की राजनीति में, एक का नाम है लालू प्रसाद जी, दूसरे का नाम है नीतीश कुमार। आरजेडी के मंत्री बिहार की राजनीति को कलंकित करने का काम किया। बिहार में जो जो लोग नीतीश कुमार से अकेले बात करेंगे, उनको यही वो समझाते हैं कि मेरे बात तो आप ही हो, और जो जो फंसा उसका राजनीतिक करियर फंसना है। नीतीश कुमार माया मंडन करने वाले लोग मायावी हैं, ये यही काम करते रहे। मैं 1994 से बोल रहा हूँ, आज से नहीं बोल रहा हूँ। ये तो कपूरी ठाकुर के विरोधी थे, ये लालू प्रसाद के विरोधी हुए। लालू प्रसाद जी को जेल किसने भेजवाया? नीतीश कुमार ने, ललन सिंह ने, शिवानंद तिवारी ने। और आज वही कह रहे हैं कि बाप किसने फंसा दिया, गलत फंसा दिया। अरे नीतीश बाबू, याद तो कीजिए, हमको पता है कि आपको याददाश्त नहीं है, लेकिन याददाश्त ठीक कीजिए। 1997 में लालू जी जेल गए, 96 में किसकी सरकार थी? सीवी नरसिंह राव की। सीबीआई जांच शुरू हुआ, हाई कोर्ट कौन गया? समता पार्टी के नेता लोग के साथ खड़े होंगे। जिस तरीके मेरा स्पष्ट है, नीतीश कुमार से जो अकेले में बात करेगा, उसको इसी तरह राजनीतिक चालों में फंसाया जाएगा। वो कह रहे हैं कि कुशवाहा समाज का 2025 में मुख्यमंत्री बनना चाहिए, अब जादवपुर में बन चुके हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसमें भरोसा करती है। हम सबका साथ सबका विकास की बात और सबकी चिंता करते हैं। जाति उन्माद के साथ भारतीय जनता पार्टी नहीं रहती। हम नीतीश मुक्त बिहार बनाना चाहते हैं, हम सबका साथ लें, सबका भरोसा करें, और बिहार की राजनीति में नीतीश मुक्त करना है, ये हमारा एजेंडा है। लालू प्रसाद जी की उत्पत्ति हुई थी 100 में 90 शोषित वाले वर्ड से, उनके कई मंत्री वही भाषा बोल रहे हैं। अरे कितना बार फसल काटोगे और किसके लिए काटोगे? एक ही व्यक्ति के लिए कितने बार फसल काटोगे? कितने बार बिहार के लोगों को मूर्ख बनाओगे? रामचरितमानस इस भारत की आत्मा है, जिसमें राम लिखा हो वैसे ही श्रद्धा हमारा बढ़ जाता है। हम तो जीते हैं तो भी राम की पूजा करते हैं, और मरते भी हैं तो हे राम कह के मरते हैं। और राम इस देश के संविधान में है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनके आदर्श पर यह देश चलता है। अपने सगे पिता ने कहा कि तुमको 14 साल का वनवास काटना है, और 14 साल वनवास काटा राम भगवान। तो भगवान राम तो इस देश के आत्मा है, उस पर प्रश्न उठाने वाला वो पापी है, वो मनुष्य नहीं हो सकता। वो राक्षस रूपी बिहार में मनुष्य बन के आया है। आरजेडी पूरी तरह जातिवाद की लड़ाई लड़वाना चाहता है, बिहार में हिंदू एक हो ये नहीं चाहता है। बिहार में चाहता है कि जातीय उन्माद फैले, क्योंकि ऐसे सत्ता राजद को मिलने वाली नहीं है। तो राजद जाति जाति खेल रही है। उनको यह स्पष्ट होना चाहिए कि जो 15 साल तक आपने बिहार में अराजकता की सरकार बनाई थी, इसलिए जनता आपको वोट नहीं देना चाहती। भेजा गया था पत्र के माध्यम से उन्होंने।